आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। अगर आप लोग माफिया टाइप गैंगस्टर टाइप गेम्स के लवर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ पांच ऐसे कमाल के ओपन वर्ल्ड गेम्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा कमाल के हैं। एक्शन एडवेंचर शूटिंग एक्सपीरियंस उसी के साथ साथ ग्राफिक्स विजुअल्स सब कुछ काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब गेम्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ये सब गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये कमाल के गेम्स हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 द गॉडफादर 2। दोस्तों ये काफी ज्यादा कमाल का गेम है क्योंकि 98% इस गेम को लाइक्स मिले हैं गूगल यूजर की तरफ से। इस गेम के डेवलपर इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स वाले हैं। प्लेटफॉर्म की बात करूं प्लेस्टेशन 3 एक्सबॉक्स 360 माइक्रोसॉफ्ट विंडो पर ये गेम आप खेल सकते हैं। 7 अप्रैल 2009 को ये गेम रिलीज हुआ था। दोस्तों जनरली ये एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर शूटर स्ट्रेटजी टाइप का गेम है। इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस गेम को खेलने के लिए आपके पास कम से कम पेंटियम 4 कंप्यूटर होना चाहिए। इसमें 1 GB से 2 GB रैम भी होनी चाहिए। DirectX 9 वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। विंडो XP विस्टा विंडो 7 में ये गेम चल पड़ेगा। एटलीस्ट 9 GB आपके पास फ्री डिस्क स्पेस भी होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। नंबर 2 माफिया 2 मेरा ये फेवरेट गेम है। दोस्तों अगर आप GTA 5 जैसे गेम को पसंद करते हैं और आपके पास ऐसा बड़ा सिस्टम नहीं है तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। 97% इस गेम को लाइक्स भी लिए हैं गूगल यूजर की तरफ से। 4.8 की कमाल की रेटिंग के साथ ये गेम बरकरार है। दोस्तों इस गेम को बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है। इस गेम के पब्लिशर 2K गेम्स वाले हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेस्टेशन 4 प्लेस्टेशन 3 माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सबॉक्स 360 एक्सबॉक्स 1 क्लासिक मैक ओएक्स पर ये गेम आप खेल सकते हैं। दोस्तों ये एक सिंगल प्लेयर वीडियो गेम है। ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर थर्ड पर्सन शूटर रेसिंग टाइप का ये गेम है। इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इस गेम को खेलने के लिए आपके पास पेंटियम डी सिस्टम होना चाहिए। 1.5 GB रैम आप लोगों के पास होनी चाहिए। टोटल वीडियो रैम की बात करें 256 MB। पिक्सल शेडर वेक्टर शेडर 3.0 विंडोज 7 आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए और फ्री डिस्क स्पेस आपके पास कम से कम 8 GB होनी चाहिए तो आप इस गेम को बहुत मजे से चला सकेंगे। नंबर 3 स्लीपिंग डॉग्स। ये बहुत ज्यादा कमाल का गेम है। 97% इस गेम को लाइक्स मिले हैं गूगल यूजर की तरफ से। 14 अगस्त 2012 को ये गेम रिलीज हुआ था। अगर इस गेम के प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेस्टेशन 4 प्लेस्टेशन 3 एक्सबॉक्स 1 माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सबॉक्स 360 पर ये गेम आप खेल सकते हैं। एक्शन एडवेंचर रोल प्लेइंग थर्ड पर्सन शूटर टाइप का ये गेम है और रेसिंग भी इस गेम में आप कमाल की कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक सिंगल प्लेयर वीडियो गेम है। अगर इस गेम के रिव्यूज की बात करें तो 4.8 के कमाल के रिव्यूज है। इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इस गेम को खेलने के लिए आपके पास विंडोज 7 होना चाहिए। कोटिड्यू सिस्टम हो तो बेहतर है। 2 GB रैम रिक्वायर्ड है। 15 GB फ्री डिस्क स्पेस होनी चाहिए। इस गेम को खेलने के लिए आपके पास कम से कम 512 MB का ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए और DirectX 10 वर्जन भी इंस्टॉल होना चाहिए तो ये गेम बहुत अच्छे से चल पड़ेगा। नंबर 4 Assassin's Creed 3। ये भी बहुत ज्यादा कमाल का गेम है। इस गेम का पर्सनली एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। 95% इस गेम को लाइक्स भी लिए गूगल यूजर की तरफ से। दोस्तों यूबीसॉफ्ट वालों ने इस गेम को डेवलप किया है। प्लेस्टेशन 4 प्लेस्टेशन 3 माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सबॉक्स 60 एक्सबॉक्स 1 WIIU गूगल स्टूडियो पर ये गेम आप खेल सकते हैं। PS3 का बेस्ट इस गेम को अवार्ड मिला हुआ है VGX की तरफ से। दोस्तों ये एक मल्टीप्लेयर और सिंगल प्लेयर गेम है। अगर इस गेम के रिव्यूज की बात करें तो इस गेम को बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले हुए हैं। 4.8 की कमाल की रेटिंग है। चलिए इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इस गेम को खेलने के लिए आपके पास विंडोज 7 होनी चाहिए। इंटेल कोटिड्यू सिस्टम होना चाहिए। 2 GB रैम होनी चाहिए। 512 रैम होनी चाहिए। DirectX 10 वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। 17 GB फ्री डिस्क स्पेस होनी चाहिए तो ये गेम बहुत अच्छे से चल पड़ेगा। लास्ट गेम, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
फेयर क्रैथ 3 ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम है। इसमें आपको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, इस गेम में आपको अच्छा वेपन एक्सपीरियंस मिलेगा, कमाल के विजुअल्स हैं, कमाल के ग्राफिक्स हैं, सब कुछ ओवरऑल परफेक्ट है। 29 नवंबर 2012 को ये गेम रिलीज हुआ था। 96% इस गेम को लाइक्स मिले हैं गूगल यूजर की तरफ से। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। BAFTA की तरफ से इस गेम को बेस्ट एक्शन गेम का अवार्ड मिला हुआ है। 4.9 की कमाल की रेटिंग है। इस गेम को खेल सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप नेचुरल टाइप की गेम्स को पसंद करते हैं। स्पेशली इस गेम की शूटिंग नेपाल में भी हुई थी। इस गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। इंटेल कोटिड्यू सिस्टम होना चाहिए आपके पास, 2GB रैम होनी चाहिए, डेडिकेटेड VRAM 512MB होनी चाहिए, DirectX 9 आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, पिक्सल शेडर वेक्टर शेडर 3.0, तो ये गेम बहुत मजे से चल पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।